तो नमस्कार दोस्तों, मैं नम रुद्र, आप देखा आप इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट के अंदर पूछते हो, काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम के अंदर पूछते हैं कि भाई आपको इम्फोर ग्लेशियर कैसे मिला एंड कैसे आप उसको लेवल अप किए हो। एंड एक इम्फोर ग्लेशियर के अंदर अभी कुछ दिन पहले चेंजेस हुए हैं, तो उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा वीडियो है इम्फोर ग्लेशियर के ऊपर होने वाला है, पूरा डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे ज़रूर से एक लाइक कर देना वीडियो को। तो चलिए ज़्यादा देर न करके आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो 2018 के अंदर हमें गेम देखने को मिला था पबजी मोबाइल। एंड पबजी मोबाइल जिस दिन लॉन्च हुआ उसके एक हफ्ते के अंदर ही मैंने गेम को खेलना स्टार्ट कर दिया था। एंड स्टार्टिंग में भाई कोई भी सीजन नहीं होता था, सीजन 2 से जो रॉयल पास का सिस्टम था वो चालू हुआ था। एंड सीजन 1 बेसिकली एक फ्री सीजन था, तब मैं जोन के बाहर दौड़ता था, वो अलग बात है। एंड भाई सीजन 1 के टाइम में भाई इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, पबजी मोबाइल काफ़ी सिंपल था, एक स्टार्ट बटन हुआ करता था, साथ ही साथ हमें इन्वेंटरी का ऑप्शन, मिशंस के कुछ ऑप्शन देखने को मिलते थे। एंड तब ना ही कोई क्लासिक क्रेट था, ना ही कुछ प्रीमियम क्रेट था। एंड जो भी सर आउटफिट हुआ करता था, कुछ ऐसा आउटफिट सबको देखने को मिलता था। एंड यही कुछ आउटफिट अगर आपको मिल जाए तो भाई काफ़ी बड़ी बात होता था। एंड मैं यही आउटफिट को खोलता रहता था सोल्जर क्रेट से, एंड भाई उम्मीद करता था कुछ अच्छा खासा निकल जाए। एंड अभी ये सारे आउटफिट हमें टट्टी लगते हैं, पर तभी ये सारे आउटफिट ही काफ़ी बड़ी बात था, अगर मिल जाए आपको तो भाई काफ़ी अमीर प्लेयर हो आप बेसिकली। तो जब सीजन 2 आया उसके बाद से रॉयल पास का सिस्टम चालू हुआ, धीरे धीरे गेम आगे बढ़ता रहा। एंड इसी अकाउंट से मैं खेलता हूँ पबजी मोबाइल को एकदम स्टार्टिंग से। एंड इसके कारण आप देख सकते हो मेरा जो अकाउंट का रैंकिंग है, अगर मैं दिखाऊँ आपको 75 मेरा लेवल है। तो स्टार्टिंग से लेकर आज तक मैं इसी अकाउंट पर खेलता हूँ। एंड मैंने फर्स्ट रॉयल पास जो था वो बाय किया था सीजन 5 के अंदर, तो सीजन 5 से मैं रॉयल पास बाय करते हुए आ रहा हूँ अभी तक। तो बेसिकली ये जो मेरा अकाउंट है ये काफ़ी पुराना अकाउंट है, एंड इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे क्रेट ओपनिंग कर चुका हूँ, चाहे वो क्लासिक क्रेट हो, प्रीमियम क्रेट हो, या रॉयल पास भी मैंने इसी अकाउंट के ऊपर बाय किया है। तो इम्फोर ग्लेशियर जो है ये मुझे फर्स्ट टाइम मिला था सीजन 7 या 8 के करीब, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर जब मुझे इम्फोर ग्लेशियर मिला तब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था कि भाई फ्री में मुझे मिल चुका है एक इम्फोर ग्लेशियर, क्योंकि क्लासिक क्रेट को नॉर्मल खोलते खोलते ही मुझे मिला था एक तुक्के से। तो तब मेरे दिमाग में था कि भाई एक टाइम में ज़रूर पैसा लगा के इम्फोर ग्लेशियर को मैक्स आउट करूँगा। पर तब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद मैंने एक नॉर्मल क्लासिक क्रेट खोला, सिर्फ एक क्रेट खोला था, एंड मुझे फिर से इम्फोर ग्लेशियर मिल गया। एंड इम्फोर ग्लेशियर कन्वर्ट होके 3 मटेरियल हो गया था। एंड उसी 3 मटेरियल से मैंने फर्स्ट टाइम इम्फोर ग्लेशियर को अपडेट किया लेवल 2 के अंदर। एंड ये मेरा सेम केस मेरा एक क्रूमेट के साथ भी हुआ है, सेम टू सेम, उसको 2 बार इम्फोर ग्लेशियर मिला है एंड उसने भी लेवल 2 अपग्रेड कर लिया है। तो जब भी बेसिकली आपको एक अपग्रेडेबल गन के स्किन 2 टाइम मिलेगा तो वो कन्वर्ट होकर 3 मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे और एक बार इम्फोर ग्लेशियर मिल गया था नॉर्मली क्लासिक क्रेट खोलते खोलते। तो ऑल टोटल मुझे 3 बार इम्फोर ग्लेशियर मिला है, एक बार तो स्किन मिला था, उसके बाद 2 बार और मिला है, एंड टोटल मुझे 6 मटेरियल मिल गया था उधर से। एंड मैंने लेवल 3 कर लिया फ्री में, मतलब एक भी पैसा अभी तक मैंने इम्फोर ग्लेशियर के ऊपर नहीं लगाया है, एंड मेरा इम्फोर ग्लेशियर हो चुका है लेवल 3। एंड एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, पहले भाई पबजी मोबाइल दे देता था, इतना नखरा नहीं करता था, पर अभी आप देखोगे कि क्लासिक क्रेट अगर आप खोलते भी रह जाओ पर तब भी आपको इम्फोर ग्लेशियर या जो भी सारे अच्छे खासे स्किन होते हैं ये मिलने का बहुत ही कम चांस रहता है। अभी भी चांस चल रहा है, देख पा रहे हैं चांस का ऑप्शन है, पर अगर आप खोलते हो तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपको ये AWM का स्किन मिलेगा या ये आउटफिट मिलेगा। मिलेगा क्या आपको, ये नीचे का जो भी सारे स्टिकर्स है, जो सिल्वर फ्रेगमेंट है, यही ज़्यादातर मिलता है। पर मुझे लकीली 3 बार इम्फोर ग्लेशियर मिल गया है, एंड अभी भी देख सकते हो मेरे अकाउंट के अंदर एक मटेरियल पड़ा हुआ है। तो इन फ्यूचर जब मैं BGMI के अंदर ये अकाउंट मेरा ट्रांसफर करूंगा, मैं इसको अपग्रेड करने वाला हूं M4 ग्लेशियर को, अभी पैसा लगाऊंगा मैं इसके ऊपर, क्योंकि भाई मैक्स आउट करना है, एक ही अपग्रेडेबल गन मेरे पास है फिलहाल एंड इसको मैं अपग्रेड करना चाहता हूं। तो ये था ओवरऑल मेरा स्टोरी, मैंने एक भी पैसा नहीं लगाया है M4 ग्लेशियर के अंदर, जो भी मिला है फ्री में मिला है, लकीली मिला है। एंड अभी कुछ दिन पहले एक चेंज हुआ है गेम के अंदर, अगर आप अभी जाते हो क्लासिक क्रेट के अंदर तो आपको जो M4 ग्लेशियर है ये लेजेंडरी आइटम के अंदर देखने को मिलेगा। एंड अगर आप लेजेंडरी आइटम का रेटिंग देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, तो जो लेजेंडरी आइटम है इसका चांसेस है आपको मिलने का 2.75%, एंड जो एपिक आइटम है इसका चांसेस है 21.75%। पर पहले जो M4 ग्लेशियर हुआ करता था
ये एपिक आइटम था एंड तब भी काफ़ी सारे लोगों को नहीं मिलता था, तो काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी हुए, काफ़ी सारे लोग बोलते रहते थे पबजी को कि भाई ये एपिक आइटम है पर तब भी हमें नहीं मिल रहा है, तो जिसके कारण शायद पबजी ने इसको अपग्रेड करके इसको लेजेंडरी आइटम कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि काफ़ी रेयर मिलता है एम्पोर ग्लेशियर। मुझे भाई लकीली 3 बार मिल गए पर हर किसी को नहीं मिलता है। एंड अभी और भी मुश्किल होने वाला है एम्पोर ग्लेशियर मिलने में, क्योंकि अभी ये लेजेंडरी आइटम में आ चुका है तो भाई दिक्कत तो होगा आपको मिलने में। एंड जैसे कि देख सकते हो मेरे इन्वेंटरी के अंदर जो एम्फो ग्लेशियर है वो फिलहाल लेवल 3 का है, एंड देख पाएंगे ये भी लेजेंडरी आइटम के अंदर आ चुका है। तो बेसिकली ये जो एम्फो ग्लेशियर है आपको अगर मिलता है तो लकीली मिल जाएगा, नहीं तो आप कितने भी पैसे लगा लो बहुत ही कम चांस है आपको मिलने का। अगर आपका लक रहा है तभी मिल सकता है आपको ये एम्फो ग्लेशियर। एंड अभी हम बात करते हैं, काफ़ी सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई कुछ ट्रिक बताओ कि कैसे आप एम्फो ग्लेशियर ले सकते हो, कैसे आपने लिया। तो जैसे मैंने मेरे स्टोरी आपको बताया, मैंने कोई भी ट्रिक अपनाया नहीं था, नॉर्मली मुझे लकीली मिल गया था। पर अभी एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, काफ़ी सारे स्कैम होते हैं, आप अगर देखोगे सोशल मीडिया काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं ऑलरेडी काफ़ी बार बात कर चुका हूँ इसके बारे में, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलेगा, ऐसे लिंक्स देखने को मिलेंगे, ऐसे वेबसाइट देखने को मिलेगा जिसके अंदर बताया जा रहा है कि आप कुछ अगर 1000 रुपये देते हो तो आपको एम्फो ग्लेशियर पूरा मैक्स दे दिया जाएगा, या कुछ ऐसा रिडीम कोड का यूज़ करते हो तो आपको एम्फो ग्लेशियर मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे 100% स्कैम है। अगर आपको मिलेगा एम्फो ग्लेशियर तो क्लासिक क्रेट से ही मिलेगा, कोई भी रिडीम कोड काम नहीं आने वाला, कोई भी ट्रिक काम नहीं आने वाला, या कोई भी आपको गिफ्ट नहीं कर सकता एम्फो ग्लेशियर। तो ये तो ओवरऑल मेरा एम्फो ग्लेशियर का स्टोरी। एंड अगर आपको भी बिल्कुल फ्री में एम्फो ग्लेशियर मिला है क्लासिक क्रेट से, तो आप नीचे कमेंट के अंदर आपका जो स्टोरी है उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हो। फिलहाल मेरे स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, कुछ ट्रिक है या नहीं ये भी मैंने बता दिया क्लियरली। एंड अभी भाई चांसेस और भी कम हो चुके हैं क्योंकि एम्फो ग्लेशियर हो चुके हैं लेजेंडरी आइटम, तो भाई अभी कम और चांसेस है। तो सब कुछ बता दिया मैंने इस वीडियो के अंदर, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे मुझे एम्फो ग्लेशियर मिला, कैसे मैंने इसको अपग्रेड किया। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट पर ज़रूर बताना, वीडियो अगर अच्छा लगा है ज़रूर से एक लाइक कर देना वीडियो को, एंड शेयर करना वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ। एंड अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल के अंदर तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मेरा मिस ना करो। तो चलिए फिर मुलाकात होगा और एक नया वीडियो के साथ, तो चलते हैं, हैव अ नाइस डे।